पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम में 4 तारीख को होने जा रही गृह मंत्री अमित शाह के विशाल आमसभा, भाजपा के स्थानीय नेताओं ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी के समर्थन में भाजपा के स्टार प्रचारक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 तारीख को दोपहर 2 बजे आमसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले मनपुरा गाँव से पिछोर तक रहेगा रोड शो। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से की फास्ट समाचार संवाददाता सचिन राजभट्ट ने चर्चा। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सचिन राजभट्ट, आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, एक बड़ी विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ चर्चा में खड़े हुए हैं पूर्व मंत्री भैया साहब लोधी जी। आइए बात करते हैं किस तरह ये सभा होने। सर, कल गृह मंत्री जी आ रहे हैं, किस तरह ये सभा की जाएगी, कितनी भीड़ देखने को मिलेगी? कम से कम 50,000 से ऊपर आपकी संख्या होगी, और हम आपके मनपुरा से लेकर के और भद्रवास तक रोड शो करेंगे उनका, और यहाँ पर आमसभा होगी उनकी, भव्य आमसभा की जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ भव्य आमसभा की जाएगी, लगभग 50,000 लोग यहाँ पर आएंगे आमसभा को सुनने। हमारे साथ मिनी नेताजी भाजपा से खड़े हुए। सर, किस तरह की ये सभा होने जा रही है, क्या कुछ? ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक आमसभा होने वाली है, और पिछोर विधानसभा क्षेत्र का ये सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान के हमारे भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को यहाँ सुनने के लिए और उनके स्वागत के लिए पिछोर विधानसभा की जनता आतुर है, और उनका यहाँ पर ऐतिहासिक सभा होगी और ऐतिहासिक स्वागत होगा अमित शाह जी का। लगभग कितनी क्या भीड़ देखने को मिलेगी जनता? यहाँ पर 50,000 लोग यहाँ पर अमित शाह जी को सुनने आएंगे। लगभग 50,000, ऐसा कि मिनी नेताजी ने भी बताया, और भी हमारे साथ मनीष जी खड़े हुए हैं। मनीष जी, किस तरह ये आम सभा होनी है, क्या कुछ कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के चाणक्य हमारे भाई अमित शाह जी, जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, वह पहली बार पिछोर में आ रहे हैं। 50,000 पब्लिक जो हमारे जनता है, जनता जनार्दन, वो उनके लिए आने वाली है, और भैया प्रीतम सिंह जी के समर्थन में वो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में आ रहे हैं, बहुत ही ऐतिहासिक सभा होने वाली है, और साथ ही एक रोड शो और रथ सभा भी जगह जगह होने वाली हैं। मैं जनता से भी अपील करूंगा कि हमारे देश के माननीय गौरव गृह मंत्री जी को सुनना। गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि पिछोर को कोई सौगात भी मिलने वाली है। बिल्कुल, पिछोर को हमने लंबे समय से बहुत सौगातें भारतीय जनता पार्टी के दिए, चाहे अरुणा जी परियोजना हो, 100 बेडों का अस्पताल हो जो 45 करोड़ में बन रहा है, भौती का अस्पताल हो, और साथ ही हमारे CM राइज स्कूल हो, ऐसी तमाम योजना हम पहले दे चुके हैं, और माननीय गृह मंत्री जी के मन में जो भी हमारे लिए योजना देने की बात होगी वह भी वो देंगे। उनके साथ हमारे महाराज साहब भी साथ में रहने वाले हैं जी। आशीष चौधरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, किस तरह से इस सभा को देख रहे हैं, कितनी जनता आने वाली है, और क्या कुछ पिछोर के लोगों को कोई सौगात मिलने वाली है? निश्चित रूप से सचिन भाई, बहुत अच्छी सभा ये होने वाली है, और ऐतिहासिक आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ रखा गया है। माननीय अमित शाह जी और माननीय जो महाराज साहब ज्योतिराज सिंधिया जी भी यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। करेरा से ही रोड शो है, निश्चित रूप से पूरी जनता में बहुत उत्साह है, और आचार संहिता चूंकि चल रही है, सौगात देने का तो मैं नहीं कह सकता, हाँ आगे भविष्य के लिए जरूर निश्चित रूप से उनके आने का कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। अच्छा, सुरक्षा के भरपूर इंतजाम किए गए हैं? निश्चित रूप से सुरक्षा के बहुत भरपूर इंतजाम किए गए हैं। कल से ही NSG यहाँ और कई सुरक्षा के कंपनियाँ यहाँ आ चुकी हैं। तो इस तरह से आपको बता दें कि ये तैयारियाँ जो चल रही हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आने वाले हैं, और उसको लेकर तमाम तैयारियाँ चल रही हैं, और यहाँ बताया गया है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा जनता यहाँ पर आमसभा को सुनेगी, अपने गृह मंत्री को सुनेगी। कैमरामैन आसिफ के साथ फास्ट समाचार, सचिन राजभट्ट, पिछोर।